Namaskar and welcome to Comedy Nights Tamasha. Ranbir, ये Comedy Nights Bachao है. हाँ, लेकिन हमने फिल्म बनाई है, मेहनत से बनाई है, तो प्रमोशन भी करनी पड़ेगी ना. वैसे शो पे कौन आ रहा है आज? खुद ही देख लो कौन आ रहा है. नाम रणबीर कपूर उर्फ कमीना सॉरी कृष्णा. काम मामा ने दिलवाया. हाइट और हेल्थ दोनों अच्छी है इसलिए जिंदा है, वरना लड़कियों के हाथों मारा गया होता. नाम दीपिका पदुकोण उर्फ भारती सिंह उर्फ कॉमेडी क्वीन, ऐसा इनको लगता है. काम सेलिब्रिटी की धज्जियां उड़ाना और बाद में माफी मांग लेना. उम्र के हिसाब से पैसे बहुत छाप रही हैं. Thank you so much. हमारी ये कल ही फिल्म रिलीज हुई है जो तमाशा, आप लोगों ने कितना प्यार दिया. Thank you so much. Hello, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? Hi, मैं दीपिका और ये भाई रणबीर कपूर. जोरदार तालियां हो जाए. और ये है कृष्णा और भारती, टीवी के एक्टर. टीवी के एक्टर. अरे क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा भारती, हमारे साथ क्या हुआ? यार कुछ भी हो तेरा, इसका झोपड़ी वाला निकल ही जाता बाहर. पागल है. हाँ सही बात है. क्यों 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 हो रहा है हमारे साथ ऐसा? हमारा शो हिट हो गया तो इनको एंकर ले लिया. हमारे पेट पे लात मारी है, बाकी तमाशा कर रहे हैं. अरे आप लोगों का क्या है, मतलब एक फिल्म करेंगे 10 करोड़ रुपए ऐसे आ जाएगा ऐसे? हम टीवी के लोग 6-6 महीना काम करते हैं तब जाके 25-50 करोड़ रुपए बनते हैं हमारे. खैर लेकिन जो भी बोलो भैया, सुपरस्टार तो सुपरस्टार ही होता है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए भारती सिंह और मेरे लिए. क्या बात है भारती, जरा इधर आना, दीपिका के बगल में आना ना थोड़ा सा. हाँ क्या लग रहा, एकदम चेन्नई एक्सप्रेस की याद आती है ना. दीपिका जब ट्रेन में चढ़ी थी ना, और 4-4 गुंडे चढ़े थे मुस्टंडे. एक गुंडा बिल्कुल भारती की तरह लगता था. है ना भारती? मुझे भी याद आ गया दीपिका, वो थंगबली नहीं था उसके साथ जो 4 गुंडे, जो तीसरा वाला गुंडा. ये तो वैसे ही दिखता है ना. नहीं, ये उसके ऑडिशन में भी रिजेक्ट हो गया था. नल्ला गई. कमीज से बात कर. इसको रणबीर समझाओ, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ. अरे मेरी भी तो पिक्चर आई थी. कौन सी? आशिकी 2. रणबीर जी आप इधर आइए, ये बोलते वक्त थूक बहुत फेंकता है. आशिकी 2? कहाँ आशिकी 2 में? अरे आशिकी 2 में वो जो हीरो ऐसे लड़के लोग के साथ बैठ के दारू नहीं पी रहा, वो सीन में. दारू पीने वाले सीन में? उसमें तो तू था ही नहीं. हाँ तो मैं बर्फ लेने गया था तभी. ऐसा थोड़ी होता है. बात करते. वैसे दीपिका कल ही मैंने आपकी फिल्म देखी यार, मतलब कमाल का काम किया है. पता चल जाता यार मंजे हुए एक्टर. वो आपने एक मोटे के साथ वो किया था ना फोन वाला कुछ, मैं चाहती हूँ वो डायलॉग ना आप कृष्णा के साथ बोलो. तेरे को मौका मिल रहा दीपिका पादुकोण के साथ एक्टिंग करने का. वो जो रोमांटिक सीन है. हाँ कृष्णा, तेरे को सिर्फ बोलना है नो मनी नो फोन कॉल्स. नो मनी नो फोन कॉल्स, सिर्फ दो ही डायलॉग प्लीज इसके साथ. क्या बात है, जोरदार तालियां कृष्णा के लिए. रणबीर कपूर को मेकअप मैन रखा है. वाह. रेडी? अरे दीपिका को देख के अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं भैया. यस डार्लिंग, जस्ट वन फोन कॉल प्लीज. नो नो नो, जस्ट वन सेकंड. नो मनी नो फोन कॉल प्लीज, जस्ट वन सेकंड. नो मनी नो फोन कॉल. झट फकीर सुअर की औलाद मर जा साले कमीने.
क्या बात है, पहली लड़की है जिसने कृष्णा को पहचान लिया है। झंड फकीर, सुअर की औलाद, वाह वाह, कुत्ते का बच्चा तो भूल ही गई आप। क्या बात है सर, आप दूर दूर क्यों जा रहे फिल्म में, आप भी तो हो ना। रणबीर, ये मेरे को हमेशा फंसा देती है, ऐसे से यू नो डायलॉग बुलवाती, मुझे गालियां पड़वाती है हमेशा, हीरो ने तो कुछ करो। भारती, फैमिली शो आप उसका साथ देंगे सर, आप उसके साथ मिलके मेरी बेइज्जती करेंगे। तमाशा की तरफ से, दीपिका और मेरी तरफ से, हमने आपके लिए एक गाना बनाया है, सिर्फ आपके लिए, जो हम आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, और ये दिल की बात है। हार दीजिए दिल आज। तो इरशाद है। मुझे छेड़ती हमेशा। मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, लेकिन आप भी इसके साथ मिल गए, काश मैं अपना करवा चौथ बीच में तोड़ लेती। ए, तमाशा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमेशा हम लोग ये सिंहासन नीचे बुलाने के लिए बचाओ चिल्लाते, लेकिन आज हम क्या चिल्लाएंगे, तमाशा। ठीक है, 1 2 3 तमाशा। जी फिर समय आ चुका है। चलो चलो तुम निकलो, मैं तो खड़ी रहूंगी यहाँ पे। अबे मुझे नहीं, आपको। सॉरी। ये ना बेचारी मानती नहीं, इसको प्यार से बोलना पड़ता है। चल, चलो पीछे। पर मैं इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। चल बे। तो ऑडियंस, सबसे पहले कुर्सी पे किसको बिठाया जाए? रणबीर। चलिए रणबीर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रणबीर आप कुर्सी पे बैठे, और दीपिका रणबीर और दीपिका, भारती जो है आप लोगों से बहुत नाराज हो गई, कहती है उसको तमाशा में क्यों नहीं लिया। हाँ भैया सही बात है, मतलब तमाशा हो रहा हो और मदारी को ना ले तो कैसे चलेगा। अपनी नाराजगी लेकर आ रही है भारती, जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। कैसे आप? बस फर्स्ट क्लास। अरे ये बंदा तो सीरियस ही हो गया है। अभी ना कुछ एपिसोड पहले आपकी सिस्टर आई थी करिश्मा कपूर, मैंने उनको ना ऐसे ही बोल दिया, मैं क्या अपने भाई को भी भेजना, आप सच्ची आ गए यार। मतलब ये कैसी बात है, कोई बाजार में मिले और कह देते ना भाई प्लीज घर आना, हाँ वो सच में थोड़ी आ जाते हैं। आए दीपिका, एक बात बोलूं, दीपिका फोटो मस्त है। नहीं आपका नहीं कह रही, मेरे व्हाट्सएप के डीपी का फोटो मस्त है, देखो ना जरा। वैसे एक बात बोलूं, आते ही आपने सारी लड़कियों को कॉम्प्लेक्स दे दिया। नहीं मुझे नहीं, मैं तो बचपन से ही कड़ाक हूं। वैसे एक बात बोलूं दीपिका, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपने फिल्मों में स्टंट भी किए हैं, और मुझे ये भी पता कि आप ऊंचाई से बिल्कुल नहीं डरती। रणबीर डरेगी भी कैसे, जिस लड़की का मुंह खुद तीसरे माले तक जाता है वो ऊंचाई से कैसे डरेगी।
लेकिन क्या हाइट है आपकी सच में, मतलब मजा आ जाता है। मैंने आपकी कॉकटेल बहुत बार देखी है, मेरी मम्मी ने भी, साथ में बैठ के देखते हैं। कितना पीती थी आप, एक के बाद कितना पीती थी ये लड़की। मेरी मम्मी ने आपके लिए एक मैसेज दिया है, मम्मी ने कहा है कि वो खाली बोतलें हमें देना, हमारा भंगार का भी काम है। लेकिन रणबीर, जवानी दीवानी में आपने एक डायलॉग बोला था, मैं भागना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं फिर उठना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, ये दौड़ना चाहता हूँ। यार उस फिल्म के टाइम पे आपने टेम्पल रन का बहुत प्रमोशन किया है ना। वैसे एक बात बोलू, आप ना ही इंस्टा पे, ना ही फेसबुक पे, ना ही ट्विटर पे 3G प्लान डलवा के लेते हैं आप। सस्ता है 3G प्लान, डलवा लीजिए, सच में कह रही हूँ मैं। अब तो 4G वाली लड़की भी खुली घूम रही है, उसको ही पकड़ लो। यार मतलब, मतलब क्या, काफी लाफ्टर आ रहा था, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, ये आ गए। आज तो साथ में लिया, मतलब दीपिका और रणबीर आए, पता कितना बड़ा फैन हूं मैं इनका। तो वो कहते चाचा चाची के तौर पहले ले आती थी। लेकिन एक बात मानेंगे आप दोनों, आपको एक बंदे का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हमारे सेट में एक बहुत सीनियर एक्टर है जिनकी हम दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं उनका मतलब आशीर्वाद लेते हैं, सुदेश लहरी जी, बहुत सीनियर एक्टर है। और दीपिका, सच में कह रही हूँ, दीपिका रणबीर, हम दिल से इनकी रिस्पेक्ट। ए बुड्ढे सही बैठना, तेरी बात करना सी, मार इसके कान के नीचे। मुझे शर्म नहीं आती, मतलब सुदेश जी कितने सीनियर है, ऐसे बात करते हैं। तो क्या हुआ, एक ही शहर अमृतसर से, पता कितना प्यार करती हूँ मैं उनको, मैंने उनका फोटो भी बना रखा है, देख लेकर आ, सबको दिखा। अबे खाली है ये। हाँ तो मैंने उनका मरने के बाद का फोटो बनाया, आत्मा का कोई फोटो थोड़ी होता है। खैर सुदेश जी को छोड़, रणबीर यार मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ यार। क्यों? मतलब आपने फिल्म में वो टावल डांस किया, लड़कियां पागल हुई, लोग पागल हो गए, मैंने किया, मुझे लोगों ने मारा। इसने पता कैसे किया था, आपने टावल पकड़ा, आपने कहा था जब से तेरे नैना, इसने कहा जब से तेरे नैना तेरे नैनो से लागे रे। लोगों ने वही टावल गीला करके ना ऐसा मारा, आपकी फिल्म में बहुत ब्लू ब्लू था ना, इसके पीठ पे बहुत ब्लू ब्लू है देखो। देख लियो, मैं एक दिन रणबीर कपूर बन के दिखाऊंगा तुझे। रणबीर कपूर बन के दिखाऊंगा। बेटा रणबीर कपूर बनने के लिए हिट फिल्में देनी पड़ती है, रॉक स्टार, जवानी दीवानी, बर्फी, और भी कई फिल्में, और भी कई फिल्में। राहुल रॉय, बॉम्बे में आकर आप वेलवेट सोफे में बैठे हैं। यार तू कितना बेशरम है, तू बोली जा रहा है। क्या बोली जा रही है तू, दीपिका के बारे में बात कर ले। ये लड़की तो अलग ही है तुम्हें पता है, अरे दिल की कितनी अच्छी है, और वो छोड़, ये दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं। जवानी दीवानी में ये थे, लेकिन इन्होंने एक खरगोश को भी चांस दिया है। क्या सर, वो कल की है। तेरा दिमाग खराब है क्या, अरे वो कल की बात नहीं कर रही मैं, एक गाने में ये दोनों पहाड़ों पे नाच रहे हैं, पीछे खरगोश भाग रहा है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। पागल कहीं का। वैसे ये जो है ना दीपिका जी, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं करती है, बहुत कुछ करती है, तेरे को पता है फिल्मों में। अरे मैंने देखा क्या स्टंट करती है यार, आप उछल उछल, क्या बात है, क्या मस्त किया था ना फिल्म में। मैंने खुद देखा था चांदनी चौक टू चाइना में। इतनी बार का बैक स्टेज क्या समझाया था, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे वो नाराज हो जाए। लड़कियां ऐसे मारती है, है? उसे देख, पता कितना डिफरेंस है तेरे में उसमें। क्या क्या ऐसी है, मैं थोड़ी ऐसी हूँ ना। रणबीर आपका फिल्म में नाम क्या है, वेद ना, तो मैं जब भी आपके पास आऊँ ना, आप ऐसे छाती से ऐसे शर्ट फाड़ के ऐसे छाती खोल देना। ओके। क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है वेद खोल के पढ़ो ना तो बड़ी चीजें मिलती हैं। देख तू बहुत बोल रही है, आज मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। दीपिका एक रिक्वेस्ट है, तो मैंने आपका ये स्टेप देखा है, आपका जो गाना आया है, तो मैं वो स्टेप जरा सीखना चाहता हूँ और आपके साथ करना चाहता हूँ, तो प्लीज क्या आप नहीं, यहाँ पे ऐसी बातें होती है, प्रोमो बनाना चाहता है ये। चलिए जोरदार तालियां करण और दीपिका।
आपने तो चलो अच्छा किया क्योंकि आपने किया हुआ है. इसने अच्छा पता क्यों किया? इसने टाइट कच्छा पहना हुआ है. रणबीर आपको पता सुबह से रिहर्सल कर रहा है. कई बार तो कच्चे का लास्टिक निकल के इसके मुंह पे भी बजा है. चल पगले. इसीलिए कहती हूँ लास्टिक वाला कच्चा मत पहना कर. अपना रणबीर देख ला, नाड़े वाला कच्चा मस्त है ना सर. क्या बात है. इतना क्यूट लगता है हमारे शो का सबसे क्यूट लड़का. लड़कियां कहती बड़ा क्यूट है. वो सफेद चूहे नहीं होते घर में, ऐसा लगता है कोई सफेद चूहे ने जिम में जाके बॉडी बना ली होती. अरे वाह क्या स्टेप. ये स्टेप बहुत पॉपुलर हो गए. एक दिन ना सुदेश जी भी अपने मोहल्ले में कर रहे थे लेकिन पोल के पास कर रहे थे. इनको मोहल्ले वालों ने इतना मारा, कहते अभी तक तो कुत्ते कर रहे थे आप भी शुरू हो गए. फिर बाद में इन्होंने भौंक के दिखाया तब माने. बहुत बढ़िया. करण के लिए और भारती के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू. आइए भारती जी. हाय हाय क्या बात है हमारी भारती जी. एक मिनट रणबीर. हाँ? मैं जब भी परफॉर्म कर रही थी आप तकिए में ऐसा, मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं. हाँ, तकिए में कुछ नहीं, वो भी तकिए को ही देख रहे थे. ये वही टावल है जो रणबीर कपूर ने अपने बम पे घसीटा है. बम बम बम. आने वाले कुछ सालों में ना मैं और रणबीर ऐसे खड़े होंगे. छोटा सा रन्नू हमने पकड़ा होगा. चलिए आइए ध्यान से ध्यान से ध्यान से. दो दो मिनट बाद बेटा दुद्दू भी मांगता है. देखा जो आज तक कोई हीरोइन नहीं कर पाई भारती सिंह ने कर दिया. बच्चा मेरा बच्चा. अरे उठा लो पागल है ये. कितने कठोर दिल है सर. पकड़ते वक्त सोचा नहीं बच्चा उधर रख दिया आपने. देखो सर ये हीरो लोग शर्मा जाते हैं. पहले इनको पता नहीं चलता, जब हो जाता तब साइड में रख देते हैं. दीपिका मैम अभी आप ही की बारी है. वेद और तारा एक साथ बैठेंगे. मुझे पता आप क्या कह रहे हैं. आप कह रहे हैं दीपिका सॉरी यार भारती कितनी क्यूट लग रही है, मैं किस कर लूं जाके एक. और वो भी लड़की इतना जली ना कुछ रिएक्ट नहीं क्या करती है ना. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ आपकी लाइफ में शायद ऐसा दिन कभी भी नहीं आया, लेकिन इन दोनों के साथ हुआ. एक कास्टिंग डायरेक्टर और एक स्ट्रगलर के साथ क्या होता है वही दिखाने आ रहे हैं मुबीन और अनीता. जोरदार तालियां हो जाए. हेलो. अरे हाँ यार सेट पे पहुंच गया हूँ. अरे पहुंच गया हूँ बता रहा हूँ सेट पे, अभी देख के बताता हूँ. अरे हाँ हाँ दोनों पहुंच गए हैं. हाँ खुश हैं, हंस भी रहे हैं. अरे वाह वाह वाह. एक सेकंड एक सेकंड, उनसे हाथ मिला लूं फिर बात करता हूँ ठीक है. कैसा है रमेश, कैसा है सुरेश. ये मेरी मौसी के लड़के हैं, गांव से आए हैं लेगड़ुआ से. तो ये क्या शूटिंग देखने आए, पहली बार मुंबई आए हैं. वैसे मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं एक बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर हूं, इसलिए मेरे पास कास्टिंग के लिए फोन आते रहते हैं. देखो फोन का नाम लिया बजने लगा. पिले लिख पिले लिख. हेलो. हाँ हाँ गम्मू भाई कास्टिंग वाला बोल रहा हूँ जी, बताइए. अच्छा रणबीर चाहिए हीरो के लिए. नहीं नहीं यार मत लो, मजा नहीं है ना डांस ना एक्टिंग, शक्ल भी अच्छी नहीं है. अरे रणबीर सूरी में वो बात नहीं है, रणबीर कपूर को लो. हाँ सर भोजपुरी आती है आपको? भोजपुरी नहीं नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, वो बिजी है. सर बहुत अच्छी फिल्म निकल गई आपके यहाँ से.
मतलब ऐसी फिल्म जैसे टाइटल से ही फिल्म सुपरहिट क्या रखा है रोने में मजा आता है कोने में कोने से याद आया दीपिका पादुकोणे भी आई हैं क्या बात है मतलब इतनी बड़ी हीरोइन मैंने आज तक नहीं देखी पूरे 5 फीट 9 इंच लंबी हीरोइन है वैसे मैं कास्टिंग कर रहा हूँ मैंने 2 लोगों को तो कास्ट कर लिया है बस अब मेन लीड की तलाश है कौन है मेन लीड के लिए कैसा है रे तू मैं एकदम मजे में हूँ रे हट गए देखो नहीं पूछ रहे रणबीर कैसे हैं आप टिप टॉप आप बिल्कुल ठीक एक एक फोटो प्लीज एक फोटो तो बनती है अरे मेरा और मुबीन का वो अरे क्या क्या हम स्टार है ना इस अरे क्या कर रही है अरे मजाक कर रही हूँ सर मजाक एक सेल्फी सेल्फी प्लीज हाँ अरे यार ये स्ट्रगलर लोग का यही पंगा है जहाँ स्टार देखे नहीं कि सेल्फी मैंने कभी आज तक किया ऐसा दीपिका जी एक सेकंड अभी मैंने आज तक ऐसा नहीं किया मैंने ऐसा ये तू क्या टाइप कर रहा है मैं टाइप कर रहा हूँ कि दीपिका जी और रणबीर जी की भारी फरमाइश पर मुबीन सौदागर ने उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाई तू क्या टाइप कर रही है स्टार्स ने ली एक मामूली आदमी के साथ सेल्फी ए तुझे शर्म नहीं आती रणबीर सर को मामूली बोलती है तू तेरे को बोल रही थी मैं ए मेरे को मामूली नहीं बोलना तेरे तू जानती नहीं मेरे बारे में मामूली नहीं बोलना पता है इनकी वो फिल्म आई थी रॉकस्टार उसमें इनका जो बोलने का तरीका था ना मैंने सिखाया था इनको तूने हाँ ये लड़की को प्रपोज करने जाते वहां पे बोलते हैं हाय जनार्दन जाकर शोर फॉर जीते आई लव यू गर्लफ्रेंड बन जा मेरी मैं और तुम मिलकर रॉक कर देंगे बता रहा हूँ अरे चला चल तेरे को अभी फिल्म दिखाता हूँ जंगली जवानी मजा आ जाएगा सच्ची अच्छा पहले कैसे बोलते थे नहीं पहले तो ये बहुत अजीब सा बोलते थे और चला ले जाकर चोट पर जाइए गर्लफ्रेंड बन जा मेरी चल ना ये सब छोड़ ना बताना मेरी कास्टिंग करेगा ना फिल्म में काय को कास्ट करूं देखो तू तेको आता क्या है मुझे सब कुछ आता है डांसिंग एक्शन एक्टिंग अच्छा हां सच्ची बताना ये तीसरा वाला झूठ था ना एक्टिंग मुझे बस तू कोई भी डायलॉग बोलना ऐसे चुटकी में बोल दूंगी दीपिका जी का डायलॉग था ना चुटकी वाला वो बोल के बता हाँ एक सिंदूर चुटकी की कीमत तुम चुटकी बाबू बस बस सर ये ना पहले फिल्में करती थी इसी वजह से टीवी पे आ गई है देखो एक और चांस दे ना मैं बोलूंगी ठीक से अच्छा, एक और चांस दे एक चांस और एक चांस एक रमेश की चुटकी तू अरे बस कर अभी टीवी से मोबाइल पे चली जाएगी बस कर दीपिका जी आप बोल के बता दीजिए सीख जाएगी बेचारी कुछ एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू क्या बात है रमेश बेटा 500 रुपए दे देना मैंने से शर्त लगाई थी कि दीपिका जी के मुंह से तेरा नाम बुलवाऊंगा अब मैं शर्त जीत गया 500 रुपए दे देना मुझे अब कास्टिंग के बारे में भी कुछ बताएगा कि नहीं अरे मैंने फिल्म बना ली है अभी एक सीन शूट भी कर लिया है किसके साथ अरे रणबीर सर दीपिका जी के साथ चल चल झूठ मत बोल फिल्म का टाइटल भी कमाल का है सर क्या है गांव का मुंडा ढूंढेगा एनाकोंडा चल दिखा फिर अरे तुझे यकीन नहीं होता अभी दिखाता हूँ इधर तो दोस्तों कौन एनाकोंडा ढूंढेगा जल्दी बताइए सबसे पहले कौन मैं ये काय को जाएगा ये आजकल होंडा है मैं कल की है मैं जाएगी अरे कहाँ है एनाकोंडा मैं ढूंढूंगा यार संभाल के एनाकोंडा दिखता कैसा है एनाकोंडा बिल्कुल ऐसा मोटा मोटा होता है हाँ ऐसा गोल गोल होता है इतना ही बड़ा होता है अरे एनाकोंडा अरे नहीं ये तो लड़की है अच्छा तुम्हें बताओ एनाकोंडा इससे पहले कहीं तुमने देखा है ओ थका यार प्लीज थोड़ा मुझे बहुत प्यास लगी है पीने को कुछ दो ना पीने को क्या दूं हाँ ये ले अकल बढ़ाने का टॉनिक पी ले बस बस खाली करिए क्या भुक्कड़ अरे ये तो लस्सी जैसा है देखा पीते अकल आ गई ना इसे कहते हैं धंधा धंधा करता है हाँ मैं क्या एनाकोंडा ढूंढने के नाम से लोगों को यहाँ पर लेकर आता हूँ और फिर उन्हें अलग अलग चीजें बेचता हूँ बहुत कमाई से मैं रॉकेट सिंह में देखा मैं सेल्समैन था यहाँ भी हूँ सर मैं यहाँ तो ऐसा धंधा करता है अपने पास रख अपनी बकवास डिक्शनरी अरे क्या बात करी इस धंधे में बहुत कमाई है यार 25 का क्वार्टर 100 में बिकता है 22 का क्वार्टर 80 में बिकता है और तो और पता है 5 क्वार्टर लेने वाले को मैं चकना फ्री देता हूँ मैं तो बोलता हूँ तू भी आ जाए धंधे में
बहुत कमाई है। हम दोनों मिलकर रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ। तू भी रॉक, मैं भी रॉक, मजा आ जाएगा। कंफ्यूजन और नर्वसनेस का बहुत बढ़िया मिक्सचर है यहाँ, बहुत बढ़िया। रणबीर, रणबीर क्या कहना चाहेंगे आप? लगता आप चुप हो गए, चारों खाने चित हो गए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कमाल है। यू नो, कमाल की बात यह है कि हम इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं, जब हमारा मजाक उड़ाते हैं बुरा तो जरूर लगता है। आई अंडरस्टैंड, ये सब कॉमेडी के लिए किया जा रहा है। यू नो, लोगों को हंसाना बहुत जरूरी बात होती है। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया। नहीं, आई मीन, आप हमारा मजाक नहीं उड़ाते और इतनी बुरी तरह नहीं उड़ाते। नहीं, हम लोग आ रहे ना अगले शो में। नहीं नहीं, पता क्या सर, अभी फॉर्मेट भी चेंज है हमारा। ये माइक निकाल दो यार। सर सर, एक मिनट, सर आ रहे, आ रहे सर, आ रहे, आ रहे। लिसन लिसन रणबीर, सर एक मिनट। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। हां, नॉनसेंस यार, उतना ज्यादा नहीं था। सर एक मिनट प्लीज, सो सॉरी सर। अरे निकुल सर, अरे अनीता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे निकुल सर, अरे हाँ सर, हाँ आ गए आ गए, ठीक है। सुनो सर, कहाँ से ले, अभी समझ ही नहीं आ रहा। कितनी गलत फहमी मार्केट में फैली हुई कि हम लोगों को रुलाते हैं ना भाई, हम अपने लोगों को भी रुलाते हैं। भारती भारती, पहले तो कमाल का एक्ट था, तो और आपने जो मेरी आवाज निकाली, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने अंदर चेक कर रहा था कि मेरी आवाज तो नहीं है। तो मैं एक्टिंग करना चाहूंगा, और ये अगर मेरी आवाज करके डबिंग करे रियल लाइफ में, तो शायद लोगों को भी पता चले कि मेरे फेस के साथ उनकी आवाज कैसे लगती है। जनार्दन जाकर शॉर्ट फिल्म जीजे, गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी, मैं और तुम मिलकर रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ। रणबीर और दीपिका के लिए जोरदार तालियां। नहीं नहीं, वेरी सॉरी, देखा अनीता, ऐसे अगर तुम नहीं रोती तो इतना गले मिलने का मिलता नहीं सर। दो तीन बार हो गया सर, मैं भी रोऊंगी। बस खत्म सर, ऐसा सूज जाता है, मतलब एक साइड, इधर भी कर दीजिए प्लीज। मतलब दीपिका में भी वही मजा है जो रणबीर में। लेकिन सर आपको पता है कि ये मुबीन जी के अंदर पूरा बॉलीवुड है। हम चाहते हैं कि आप सुनील शेट्टी बनो और ये मिमिक्री करें उनकी। तो भी सुनील शेट्टी के स्टाइल में, ठीक है। देखिए, पहली बार भारती सिंह रणबीर कपूर को डायरेक्ट कर रही है, ध्यान से करना, हाँ एक ही चांस होता है। चलिए एक्शन। ओए चला चल जाकर, शॉर्ट फॉर जय जय, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, मैं तुम मिलकर रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ। अमरीश पुरी साहब। ओए जनार्दन जाकर, शॉर्ट फॉर जय जय, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, मैं और तुम मिलकर रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ। हाय
जनार्दन जाकर शॉर्ट फूड जीजी गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, मैं और तुम मिलकर रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ। अच्छा अब मेरी बारी। आप सर आइए ना। जेफ और जेदा, जेफ और जनार्दन मिलकर हम दोनों रॉक करेंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। रणबीर सर का तो सबने देख लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी एक बार जो मेरी बच्ची वाली आवाज है, सिर्फ आप लाफ्टर दीजिए, मैं हंसूंगी, आपने ऐसे से करना। प्रेजेंटिंग दुनिया की सबसे लंबी लल्ली। तो भारती आगे बढ़े। अरे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकना पड़ेगा दीपिका जी। यार आपका एक बहुत बड़ा फैन यहाँ पर आया हुआ है, आप खुद उनको देखेंगे आपकी हंसी निकल जाएगी। यार ऐसे भी फैंस होते हैं सच में, तो आपकी परमिशन हो तो बुला ले उसको। ओके तो जोरदार तालियां हो जाए, मनोज सबरवाल फ्रॉम जलंधर। शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। मैं चाहता तो खूबसूरत दिख सकता था, पर मैंने सोचा नहीं, दुनिया में अगर कोई खूबसूरत दिखेगा तो सिर्फ दीपिका। आई लव यू दीपिका। थैंक यू दीपिका। वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहना चाहेंगी आप? हंसी रोकते हुए प्लीज बोलना। यही कि मैं इनको जानती हूँ पहले से। ये पहले आपको मिल चुके हैं? हर शो पे आके मुझे प्रपोज करते हैं, पर अच्छी बात ये है कि मुझे हर बार जब मिलते हैं तो मुझे गिफ्ट भी मिलता है, सो आई डोंट माइंड। रॉन्ग टाइमिंग पे इसने गाना गाया है, तू पीछे जा, इनका बॉडीगार्ड है प्रीत, उसकी ऐसी लत लगेगी ना तेरे को भी पीछे। थैंक यू मनोज, थैंक यू। लेकिन कितना अच्छा लग रहा था ना मनोज को देखते हुए प्रपोज का, ऐसा लग रहा था इतने बड़े राजमहल में कोई मेंढक राजकुमारी को प्रपोज कर रहा है। वाह वाह। दीपिका बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे सब लोग आपको आके प्रपोज करे, भी मनोज आया और पीछे एक आदमी जो है वो दीपिका को देखकर उसने डिसीजन ले लिया है कि अब वो अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला है। सच्ची में मतलब साली और बीवी के बीच में फंसा ये आदमी। नसीम, पूजा और श्रुति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक सेकंड, मैं जरा अपनी बीवी को जलील कर लूं। हेलो, तू हर वक्त पूछती थी ना कि मेरे दिल में तेरे लिए क्या है, तो सुन, तलाक तलाक तलाक। अरे रणबीर भाई, आप लड़कियां तो आपकी फैन हैं ही, लेकिन मेरी बुआ आपकी बहुत फैन है। वो लड़की नहीं है? बुआ लड़की है, वो जरा थोड़ी बड़ी हो गई ना, अब आपसे तो बड़ी है। वो जब आपका गाना आया था ना, वो टावल वाला, जिसमें जब आप यूं खड़े होते हो, जब आप बैक करते हो ना, तो मेरी बुआ घूम के टीवी के पीछे चली जाती थी। लेकिन आप फिर घूम जाते थे। आपने भी कहा कि 1.5 करोड़ जनता देख ले, लेकिन इस बुड्ढी को एंजॉय नहीं करने दूंगा। क्यों? ओह, हाय रणबीर, हाय दीपिका, एक मिनट। हाँ, मुझे तलाक क्यों दिया? शुक्र कर तुझे तलाक दे दिया,
वरना तेरे जैसी औरत ठंड में पड़ी हो कोई रजाई ना दे तुझे। जिसने डायरेक्ट दीपिका को देख लिया वो तेरे जैसी गैर औरत के साथ रहेगा क्या? दीपिका जी जरा आप बोलिए हाय नसीम। हाय। हाय। ऐसे लगा जैसे कोयल बोल रही है। अब तू बोल जरा हाय। 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 लगता कोई बुढ़ी अम्मा 8-10 दिन से बीमार है। हाय। इतना कुछ फर्क नहीं है उसमें और मुझ में, बस मुझे थोड़ी लंबी है। तो लंबी होना की छोटी बात है। इतनी प्यारी हाइट है, देख के आदमी एकदम बेहोश हो जाता है। और लंबी हाइट के बड़े फायदे होते हैं, आदमी की औलाद नहीं बिगड़ती। पिछले बेडरूम में भी लेटी हो ना यूं करके तो बच्चा चोरी घर से बाहर जाने लगे, टांग से पकड़ लेते, वह किधर चल वापस। जीजू, जीजू, आपकी हिम्मत कैसी है मेरी बहन? देखिए यहाँ भी कितनी खराब एक्टिंग कर रही है, हाथ भी हिल रहा है और आंखें भी उधर फेंक रहे हैं। ये मेरी साली है और तलाक का कारण ये भी है, इसके बाप ने फोटो इसकी दिखाई थी और डोली में इसको बिठा दिया था। क्या बात कर रही हो तुम मेरी बहन के बारे में? अच्छा सुन पूजा, पता नहीं रणबीर हमारे शो पे दोबारा आया नहीं, जा जा बाकी जल्दी से शादी कर ले जा। वो तो जैसे सेरा तैयार करके बैठे हुए है ना, फौरन मान जाएंगे कि आओ भी आओ। हाँ, 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 बोला। उनका खानदान देखो, कपूर खानदान और तुम्हारा गफूर खानदान। जीजू है ना, आप बोल लो जितना बोलना, आप मेरी बहन और मुझे बोलो, देख लेना जिस दिन मैं लॉन्च होगी ना मैं भी दीपिका जितनी फेमस हो जाऊंगी। इतनी अच्छी किस्मत नहीं होने वाली तुम्हारी। और जो इसका सीरियल है ना, इसके सीरियल के अंदर इसके डायलॉग बड़े बड़े होते हैं। तुमने मेरे 200 करोड़ तो फ्रॉड के साथ ले लिए, पैसा तो मैं भूल जाऊंगी बट तुम्हें नहीं माफ करूंगी। पीछे से आवाज आती कट, साथ ही अपना ठेला उठा के चिप्स 20 रुपया, दीदी आप कुछ नहीं खाओगे। सुनो तुम, मेरी बहन चिप्स नहीं बेचती, कैमरा भी वही उठाती है। दीदी तुम्हारा कैमरामैन के साथ चक्कर है इसलिए मुझे कैमरा उठाना पड़ता है, तुम भी मेरी बदतमीजी। मैं जा रही हूँ। अरे चिप्स चिप्स 20 रुपए पापा। अरे इतना गुस्सा? अरे गुस्सा नहीं है, उसने जाके अभी एक्ट खत्म हो रहा है ना तो कैमरा भी उठाना है जाके। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझसे गुस्सा हो गई, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तलाक 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 दफाओ। चलो तलाक हो गई, अब क्या सोच रही हैं आप? बताती हूँ। श्रुति आपकी फ्रेंड है ना, आपको पता नहीं कितना खाती है, किसी की शादी ब्याह में चले गए ना, इतना खाती रहती, इतना खाती रहती, जब तक लड़की का बाप इसके पैर ना पकड़े कि बेटी बस कर यार, मेरी बेटी को विदा हुए 4 दिन हो गए तब जाके छोड़ती है। ये अपनी बात बता रही है, अपनी बात बता रही है, इसकी सुनो अपनी बात बता रही है। ये जोरदार तालियां धारावी की डबिंग आर्टिस्ट के लिए। पूजा, श्रुति एंड नसीम। रणबीर मैं चाहती हूँ कि आप इधर आए, जरा कुछ कहना है मुझे। तो बचपन में हम गेम खेलते थे ना, चिड़िया उड़ कौआ उड़, अमीर लोग इन्होंने कुछ और ही खेले, हेलीकॉप्टर उड़, ऐसे तो सर ऐसे बैठना पड़ेगा। चलिए, चिड़िया उड़ कौआ उड़ तोता उड़ मैना उड़, पहली बार कलर्स पे रणबीर कपूर वेली गेम में खेलता हुआ। सर आपको और जगह नहीं जाना प्रमोशन के लिए? अरे यार कितना भोला बंदा है यार। यार एक मिनट यार, वो नीचे बैठे थे मिट्टी लग गई। अरे चलिए ना सर, मुझे पता है मूली पराठा, चलिए। रणबीर कपूर के लिए। आपको पता है कि आपकी फिल्म कल रिलीज हुई और आज कितने चर्चों में है? एक ब्यूटी पार्लर जिसका नाम रगड़ा ब्यूटी पार्लर था, उन्होंने नाम चेंज कर लिया है, तमाशा ब्यूटी पार्लर कर लिया। क्या बात है,
तो चलिए तमाशा ब्यूटी पार्लर में क्या होने जा रहा है वही बताने आ रहे हैं कृष्णा, सुदेश और रणबीर, हमारे शो की सबसे हॉट लड़की अदाकार। जोरदार तालियां। आप लोग का गाना देखा मटर गस्ती माई गॉड फ्रेंड टेस्टी ये वो नहीं मैं डांस नहीं कर रही हूँ मेरे को लू जाना था जाने नहीं दिया इन लोगों ने माई गॉड हम लोग का क्या है हम लोग इधर नाला सोपारा में रहते हैं आप लोग मटर गस्ती करते हम लोग गटर मस्ती करते क्या करेंगे गटर में जाके खैर मेरे को एक आदमी मिला पीछे ऐसा चार्ल्स सोबरा जैसा गैब्रियल क्या नाम है ऐसा ना इतना लंबा सीढ़ी लेके घूम रहा था मैंने बोला कि इधर पेंट करने आया कहता नहीं मैं इनका दीपिका का हेयर स्टाइलिस्ट हूं उनके बाल भी तो बनाने होते हैं क्या है लंबाई का रहता है बाबा खैर मेरे ब्यूटी पार्लर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं तमाशा ब्यूटी पार्लर बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं हमारे पास अनुपम खेर साहब राकेश रोशन जी इनकी हेड मसाज होती है इधर मेरा तो शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया अनुपम जी की वजह से मैं एक दिन ऐसे तेल से मसाज कर रही थी ऐसा फिसली गई मैं बड़े बड़े लोग आते हैं इधर कंगना रनावत हमारी कस्टमर है वो ना उसका करली बाल है वो स्ट्रेट कराने के लिए आती है 15 दिन सलिया गरम करके हम लोग ऐसे लगाते हैं सर के ऊपर ऐसा गरम करके लगाओ जैसे सलिया निकाला टुई 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 करके वापस इतना जिद्दी बाल है माय गॉड बट इन द एंड वी सक्सीडेड या वी साइड नो हमसे नहीं होगा बाबा जाओ आप इधर से कह रही है तो कुछ भी राजपाल यादव वो भी हमारे पास है कटिंग वटिंग के लिए नहीं कहता मेरे को काम दो हम लोग पता क्या करते थे उसका पाँव पकड़ते थे उल्टा पाउडर में डाल के ऐसा लोगों को लगाते थे बहुत लोगों का मेकओवर किया मैंने ये नवाजुद्दीन हमारे पास आया था पहले ऐसा दिखता था बाद में देखो कितना स्मार्ट बनाया मैंने ये भी हमारे पास आए थे एक बार फिर बाद में ऐसे हो गए वो क्या मैं उन दिनों में सीख रही थी ना एक्सपेरिमेंट कर रही थी गलती हो गई थी मेरे से फिर एक दिन ये कुत्ता भी आया था बोला मेरा मेकओवर करो आजकल सुदेश लहरी बन के एक्टिंग कर रहा है बड़ा माय गॉड मेरी असिस्टेंट किधर है बाबा ए पुचकी हाय बेबी हाउ आर यू Where were you? Sorry, मैं थोड़ी लेट हो गई थी वो क्या है ना मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था काम दो ही तो शो है तेरे पास वो भी कलर्स पे नागिन और ये कॉमेडी नाइट्स सारी डेटे हमारे पास क्या काम कर रही थी झूठ बोलती है मैं बहुत बड़ा रॉक स्टार हूँ जब भी मैंने स्टार बनने की कोशिश की लोगों ने रॉक मारे मेरे को मुझे मेरे दोस्त ने भेजा है यहाँ पे अच्छा अच्छा हाँ क्या नाम था उसका मिलता जुलता नाम मेरे को याद है भूल गया हूँ रणवीर या रणबीर राजवीर नहीं ओमपुरी हाँ
एक मिनट, ये ओमपुरी मिलता जुलता कैसे है? मेरे को तो वही मिलता है भैया, ये लोग तो मुंह नहीं लगाते, तो अपना अपना स्टैंडर्ड होता है भैया। सही बात है, मसाज कराने आया पार्लर में, चिंगम खाएगा? नो नो, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमको जरूरत है, तेरे मुंह से बहुत बास आ रही है, मैनीक्योर पेडीक्योर करना होता है। टिश्यू ला, हाथ में रखने का चीज है ना ये। चिंगम, अरे खाओ खाओ। पहले बताओ किसी का झूठा तो नहीं ना? नहीं नहीं, खाओ। हम लोग क्या है, बहुत हम लोग का हाइजीनिक लोग, ऐसा हाथों में जम्स रहता है, बहुत बीमारी लगता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। खैर वैसे लड़का बहुत स्मार्ट है। अरे थैंक यू सो मच। तेरे को नहीं बोला बे, उसको बोल रही है, हीरो आदमी है वो, उसको बोलती है मैं स्मार्ट आदमी। नाक थोड़ी टेढ़ी है। नहीं मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अबे तेरी बोल रही हूँ बे, क्या कभी उधर कभी उधर, क्या ये? ज्यादा बकवास नहीं करना, जिस काम के लिए आओ इधर बैठ, इधर चल बैठ, डरना, ज्यादा बकवास मत करना, बड़े बड़े स्टार आए हैं आज। रणवीर कैसे हो भाई? मैं एक आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, बर्फी मेरे को मिल रही थी, मैंने मना कर दिया। आपको मिल रही थी? क्यों? मैंने 10 रसगुल्ले खाए थे, ऊपर से बर्फी खा लूं, शुगर का मरीज हूँ, मेरा कौन? और आपको जान के खुशी होगी, ये तमाशा, तमाशा वाले ही पहले मेरे पास आए थे, मैंने मना कर दिया। क्यों? बॉलीवुड डेट्स प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे को कहते 3 दिन चाहिए। ओ, मैं पूरा महीना फ्री, 27 दिन मैं क्या करूंगा घर पे बैठ के? मना कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा, सब अच्छी बात है, आप कभी भी किसी शूटिंग पे मत जाया करो, अपनी शूटिंग करो, कभी किसी की शूटिंग पे नहीं जाना। आप गए होंगे किसी शूटिंग पे, वहां पे हाथ मिलाया, हीरो हीरोइन से बातचीत की, उन्होंने ऐसे मूवी बना ली, फिल्म का नाम रोए रख के रिलीज कर दी, स्टार का लोग फायदा लेते हैं सर। एक काम करी जरा, ये पकड़, नीचे रख, फिर पकड़, नीचे रख, पकड़, नीचे रख। ये क्या कर रही हो? अरे बाद में बोलेंगे, एक्ट में कुछ करवाया नहीं लड़की को। अरे मैडम, आप क्या यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो? सर कस्टमर आए हैं, सर बताइए ना, आप क्या करवाने आए हो? मैं तमाशा मूवी लगी है देखने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ सुंदर लगूं, स्मार्ट लगूं, बाल छोटे करवाने हैं, कटिंग करवानी है। कितना टाइम लगेगा? हमारा कोई आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? हाँ। एक सेकंड में तो मैं छोटे कर लेता हूँ, ये देखो। अच्छा सुनो, हेलो, ब्यूटी पार्लर अच्छा है, आईब्रो बना लेते हो आप? हाँ बना लेते हैं। पक्का? हाँ? लो यार मेरा तो काम हो गया। हाँ? मैंने ना मुंह भी बना लिया है, नाक भी बना लिया, आईब्रो नहीं बन रहे, प्लीज बना दो, प्लीज बना दो। ये येड़ा आदमी कहाँ से लाया? पागल है, पागल, नल्ला पागल कहीं का, ये क्या बात है? लेकिन चल जो भी होता है, कस्टमर जो होता है वो उसकी इज्जत करना चाहिए। हेलो सर, वेलकम, कुछ खाएंगे? मछली खाएंगे? अरे क्यों नहीं, मेरी मम्मा ने बनाया मछली, खा के देखो, बहुत मजा आएगा। ये लो, ये नकली कागज की है। हाँ तो वो तेरे आईब्रो कागज के थे, उसका क्या? पूरा बनता है, जस्ट नाटक नहीं चलेगा तेरा। सीधा सीधा बता क्या करवा, टाइम मत खोटी कर अपना। हेड मसाज करते हो? हेड मसाज पक्का करेंगे, गर्दन पकड़ कर। थैंक यू। यस। ये गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? अरे पिछली बार एक का हेड मसाज कर रही थी ना, उसका पूरा हेड ही घूम गया ऐसा। फिर क्या, अभी वो हमारे पार्लर में आता है ना तो ऐसा लगता है जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती है यार। ये आप लोग पागल हो क्या? सुनो, आप ऐसा करो, फुट मसाज करो। फुट मसाज? अरे फुट मसाज तो स्पेशलिस्ट है, मैं थाईलैंड से सीखे। थोड़ा सा आप थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा आंखें बंद, अभी इसको फुट मसाज देती है। फुट 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 फुट, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो ना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लगता है आपके पास कोई अच्छे कस्टमर आते नहीं है। ए ज्यादा चिल्ला मत, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं यहाँ पे, चल बैठ इधर। बैठ इधर, मैं बैठता नहीं, आप मिन्नत कर रहे हो तो बैठ रहा हूँ। बैठिए बैठिए। हाँ बताइए, कुछ रिलैक्स वगैरह करो। मुझे रिलैक्स करेंगे? मारना नहीं यार, मैं डर लगता है। नहीं मारेंगे नहीं, आपका पहले कटिंग से शुरू करते हैं। या ओके ओके, क्योंकि इससे भी थोड़े छोटे आजकल आपके, पहले रॉक स्टार में वैसे थे मैं रखे, अभी छोटे थे, फैन हो ना, क्या करे भैया। अब आपकी कटिंग होगी। अरे पागल होगी तू, क्या दिमाग खराब है? अगर मेरी गर्दन कट जाती तो क्या करती? हाँ सही बात है, प्रॉब्लम हो जाती, मेरे पास तो थैली भी नहीं थी, कैसे देती आपको मैं? तो पागल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, सर बैठिए ना, बैठ आइए, बैठिए ना। अरे सांप को स्टीम दो, स्टीम। सर रिलैक्स कीजिए। देखो मुझे स्मार्ट बना सकती तो आप ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ।
अच्छा चलो मैं हम करते चलो ओके हर चीज की हद होती है यार चलो हाँ सर ऐसा मेकओवर किसी का नहीं हुआ ये हो करके रे मैं स्टाइल पहली बार देखा है सर आइए साहब आपका मेकओवर है सर आईना देखो शीशा किधर है इधर पीछे किधर है ये इधर अरे ये क्या कर दिया आपने ए भाग इधर अरे पागल हो गया तुमने अरे अरे भागो चलो ये क्या है ये क्या तमाशा बना दिया मेरा आप लोगों ने मेरा तमाशा बना के रखा आप लोगों ने आपको देखना मैं तो इसको ये भी नहीं कह सकता कि कृष्णा तेरे को कीड़े पड़े इसको तो कश्मीरा पहले ही पड़ी हुई है क्या कर रही है वाह सुदेश जी वाह 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 कोई बात नहीं कोई टेंशन मत लो हमने 15-20 कुत्ते बुलाए हुए हैं मुंह धोने की जरूरत नहीं हम कहेंगे हुश वो चाटने शुरू कर देंगे आप साफ हो जाओगे चलो 19 और बुला लो एक तो ये खड़ा है क्या बात है थैंक यू सो मच रणबीर दीपिका कृष्णा सुदेश और अदा का एक्ट आपको कैसा लगा हर हफ्ते आप इस शो पर आते हो हर हफ्ते आप लोगों को इतना हंसाते हो ऐसा हुनर बहुत लोग के पास नहीं होता बिकॉज मैं भी एक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि कॉमेडी कितना मुश्किल है तो वी आर रियली फैंस ऑफ ऑल यू गाइस एंड ग्रेट जॉब लेकिन रणबीर दीपिका हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहते हैं क्या आप तैयार हैं क्या सुनना पसंद करेंगी एक सुपरस्टार या फिर एक एक्ट्रेस एक्ट्रेस सुपर एक्ट्रेस रणबीर कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे आप अपने करियर से निकाल देना चाहते हैं आई थिंक बहुत जरूरी होता है जब हमारी फिल्म सक्सेसफुल होती है और जब नहीं चलती आई थिंक वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है मैं ऐसी कोई फिल्म अपने करियर से निकालना नहीं चाहूंगा सब दीपिका कोई ऐसी कोई फिल्म है जो किसी और हीरोइन ने की हो तो आप सोचती कि काश ये मैं करती काश मैं रॉकस्टार करती जो रणबीर कपूर की फिल्म है ये क्वेश्चन हम रणबीर से भी पूछेंगे ऐसी कोई और हीरो की फिल्म जो आप करना चाहते थे पीकू पीकू तो अमित जी का रोल करते हैं इरफान खान का दीपिका का रोल हम लोगों ने तो बहुत तमाशा कर लिया आप लोगों के सामने अब आप लोगों की बारी है थोड़ा हम पे भी तमाशा होना चाहिए कि नहीं रणबीर और दीपिका के लिए जोरदार तालियां आइए भारती जी सुदेश जी कैसे आप मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आप हमेशा मैं आपको टीवी पे देखते आया हूँ कॉमेडी करते हुए और जितना आपने मुझे हंसाया और खुश किया है और किसी ने नहीं किया लेकिन एक और बात मैं आपकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ सर बहुत बड़ा फैन हूँ अगर आप एक लाइन गा के सुना सकते हैं एक लाइन हर सैटरडे हर संडे दिवाली के दिन मेरे घर के बाहर आते गाते 100-200 रुपया कमा के लेकर मैं भी इनकी काम की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ क्यों मेरे घर पे नौकर थे ना बर्तन बहुत अच्छे से मांजते थे कमाल है सुदेश जी कृष्णा जी 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 सर क्या पहचान है आपकी सर क्या पहचान है ना मतलब आधार कार्ड पे इनके पापा का नाम नहीं है वहां भी लिखा है कृष्णा भांजा ऑफ गोविंदा भारती जो बचपन से किसी ने गोदी में उठाया नहीं होगा तो अब जाकर हर बार हर हीरो के गोदी पे जाके बैठती है बिल्कुल सही एब्सोल्युटली ओ निगोड़ी और हमारे प्यारे नसीम जी हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं आप जब भी
मेरे फिल्म सेट पे आते हो तो सब खड़े हो जाते, मैं खड़े हो जाता, नसीम जी आए, नसीम जी आए, खाना लाओ खाना लाओ, नसीम जी भाग के जाते, उनको आदत है ना खाना लाने की। अनीता, लोग मेहनत करके स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में आ जाते हैं, आप तो पार्टी 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 करके आ गए। करण भाई, भाई साहब, अब हम हर संडे फुटबॉल खेलते हैं, एक ही टीम में खेलते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि क्या किस्मत है इनकी, क्या किस्मत है इनकी, किस्मत की वजह से मैं कभी नहीं जीता हूं। क्या बात है, ऑब्वियसली गोल्फ स्टिक जैसे मुंह लेकर अगर वो फुटबॉल खेलेगा तो यही होगा। भाइयों और कृष्णा के बहनों, क्या बात है, और बोले या हम ज्यादातर जब शोज पर आते हैं तो जब शो के एंड होती है तो हम ऐसे ताली बजाते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ताली बजाना चाहेंगे। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको दोबारा मौका मिले अपनी अगली फिल्म लेके आने का तो आप हमारे शो पे आएंगे? ऑफ कोर्स, पक्का। आपको मिलने का मौका मिलेगा, आप सबके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी कैन डू सम तमाशा। चलिए ऐसे मजे और मस्ती के साथ हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार रात 10 बजे ओनली ऑन कॉमेडी नाइट्स बचाओ। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.